Okay, dear students, now follow the third part. What is going on today? Even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. Maddie खुश है कि उसे आज Wanda के मजाक नहीं उड़ाना पड़ेगा क्योंकि उसे लेट हो गया. She worked her arithmetic problems absent-mindedly. 8 times 8. Let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note. Maddie अपने मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते पेगी के लिए कुछ नोट बना रही थी. Because she knew that never would have the courage to speak right out of Peggy. पेगी से डायरेक्ट वो बात नहीं कर सकती. To say, hey Peggy, let's stop asking Wanda how many dresses she has. वो कभी डायरेक्ट नहीं पूछ सकती. पेगी ये सब बंद करो. Wanda को पूछना बंद करो कि उसके कितने ड्रेसेस है. When she finished her arithmetic, she did stirred or not a Peggy. Suddenly she paused and shuddered. अचानक वो काँप उठी एक पिक्चर देख के. She pictured herself in a school yard, a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got the dresses that she had on. And Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother and tried to disguise. पेगी आज मैडी ने पेगी का एक पुराना ड्रेस पहना हुआ है तो शायद पेगी उसे पूछे अरे दोबारा तुम्हें ये ड्रेस कहाँ से मिला. तो मैडी बोलेगी दैट शी ट्राई टू डिस्कस विथ न्यू ट्रिमिंग सो नो वन ऑन द रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट. तो मैडी ने इसको थोड़ा सा ट्रिम किया है छाट लिया है ताकि रूम नंबर 13 में कोई इसे पहचाने नहीं. ओके इफ ओनली पेगी वुड डिसाइड टू हर ओन अकॉर्ड. अकॉर्ड मतलब अपनी मर्जी से. अगर पेगी अपनी मर्जी से टू स्टॉप हैविंग विद फन विद वंडा वंडा से मजाक करना बंद करती है. ओ वेल मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर. ब्लॉन्ड मतलब कलरफुल येलो कलर हेयर. एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थाट्स अवे. मैडी ने अपने बालों पर हाथ चलाते हुए अपनी चिंता को अपनी सोच को दूर किया. वट डिफरेंस डिड शी मेक. स्लोली मैडी टोर इन टू बिट्स इन नोट्स शी हैड स्टार्टेड. मैडी ने अपने नोट्स को जो बनाया था उसको धीरे धीरे फाड़ दिया. टोर इन टू पीसेस मतलब फाड़ देना. शी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड. हालांकि वो पेगी का बेस्ट फ्रेंड है. शी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम. पेगी को सब लोग बहुत पसंद करते हैं. पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट. वो सोचती है पेगी कुछ गलत नहीं कर सकती. एज फॉर वंडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन द बोगिन साइड एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल ईयर. उसके लिए तो वंडा खाली एक लड़की है जो बोगिन साइड में रहती है. शी स्केयरली एवर सेड एनी थिंग टू एनी बॉडी. वो कभी किसी को कुछ नहीं बोलेगी. द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल ईयर अबाउट हर 100 ड्रेसेस. वंडा खाली अपने स्कूल ड्रेसेस खाली एक ही बात करती कि उसके पास 100 ड्रेसेस है. मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग. मैडी ने उसे देखा है कि वो हमेशा एक ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई रहती है. एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड सैश. You would look like a Christmas tree in that, the girls had said in the pretended admiration. Pretended मतलब दिखावा करना. मैडी अपना एक ग्रीन ड्रेस में हमेशा दिखावा करती है कि शी लुक्स ब्यूटीफुल. थिंकिंग अबाउट द वंडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्रॉइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट. अब मैडी सोचने लगी कि इस कॉन्टेस्ट को इस प्रतियोगिता को कौन जीतेंगे पेंटिंग कॉम्पिटिशन को. फॉर गर्ल्स द कॉन्टेस्ट कंसिडर ऑफ द डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोर्ड्स. गर्ल्स के लिए कपड़े डिज़ाइन करने थे उसकी पेंटिंग बनाने थे और बॉयज़ के लिए मोटर बोर्ड्स के. प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. शायद पेगी जीत जाए. पेगी ड्रू बेटर दैन एनी वन एल्स इन द रूम. इस रूम में पेगी से अच्छा कोई नहीं पेंट कर सकता. एटलीस्ट दैट्स वट एवरी वन थॉट. सबको यही सोचता है कि पेगी जीतेगी. शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन द मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल वट इट वॉज. पेगी बहुत सारे पिक्चर इवन फिल्म स्टार की पिक्चर को भी बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लेती है. ओ मैडी वॉज श्योर पेगी वुड विन. मैगी श्योर है कि पेगी जीतेगी. पेगी वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स. कल ही विनर्स का पता चल जाएगा. देन दे वुड नो. तब उनको पता चल जाएगा. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. ड्रिजलिंग मतलब बूंदा बूंदी बारिश के. ओके मतलब दे वॉज अ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ रेन. मैडी एंड पेगी हरी टू स्कूल. दोनों स्कूल में भाग के आए अंडर पेगीज अम्ब्रेला पेगी की छतरी के नीचे. नेचुरली वन डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वंडा पेट्रोन्स की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट. आज वो लोग ओलिवर स्ट्रीट में वंडा पेट्रोन्स के लिए बिल्कुल रुके नहीं क्योंकि वो लोग बहुत एक्साइटेड है रिजल्ट जानने के लिए. द स्ट्रीट दैट फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल्स. पहाड़ी के ऊपर है बोगियन साइड के ऊपर उसकी घर. लेट टू द बोगियन साइड एनी वे दे वर नॉट टॉक टेकिंग अ चांस ऑन बींग लेट टूडे. आज वो लोग स्कूल में लेट नहीं पहुँचना चाहते बिकॉज टूडे वॉज इम्पॉर्टेंट क्योंकि आज का डेट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इन दिस पार्ट अप टू दिस